thank you हेलो फ्रेंड्स आई एम नीमा वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नीमा फ्रेंड्स आज की रेसिपी होने वाली है नवरात्र स्पेशल आज हम बनाने वाले हैं अप्पे तो ये अप्पे बनाना बहुत ही इजी है साथ ही आप इसे व्रत के लिए बना सकते हैं कभी भी आप व्रत में इन्हें बना करके खा सकते हैं बहुत ही यमी और टेस्टी लगते हैं तो चलिए फ्रेंड्स आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसके लिए किन किन चीज़ों का यूज़ किया है वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अपे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया एक कटोरी साबूदाना आप देख सकते हैं तो इस साबूदाने को मैं अच्छे से वॉश करके गला दूंगी तो आपको कम से कम इसे तीन से चार घंटे के लिए गला करके रखना है ताकि अच्छे से फूल जाए अगर आप इसको रख सकते हैं तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं ताकि अच्छे से हमारा साबूदाना फूल जाए और सेकेंड मैंने यहाँ पर लिए हैं मूँगफली दाने जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो ऊपर का छिलका है उसे हम हटा लेंगे और साफ़ कर लेंगे साफ़ करने के बाद हम इसे ग्राइंडर में अच्छा सा इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मूंगफली का पाउडर तैयार कर लिया है छिलके हटा करके तो इस तरह का आपको रखना है बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं रखना है हल्का सा दर्दड़ा रखना है और साथ ही मैंने लिए हैं यहाँ पर बॉयल आलू तो चार से पाँच मैंने बॉयल आलू लिए हैं सबसे पहले हम इन आलूओं को यहाँ पर किस लेंगे ताकि ये जो आलू है वो बिल्कुल एक जैसे हो जाए हम चाहें तो इन्हें हाथ से भी मैश कर सकते हैं पर हाथ से मैश करने पे कोई पीस बड़ा कोई पीस छोटा रह जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता तो यहाँ पर मैंने सारे आलुओं को किस कर तैयार कर लिया आप देख सकते हैं साबूदाना भी तीन से चार घंटे में हमारा अच्छे से भीग गया है मैं आपको यहाँ दबा करके दिखाती हूँ बिल्कुल गल गया है फूल चुका है हमारा साबूदाना तो बस साबूदाना अब हमारा तैयार है इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बड़े बर्तन में ताकि सारी चीज़ें मिलाने में आसानी हो जाए तो आप देख सकते हैं एक कटोरी साबुदाना जो मैंने लिया था वो कितना अच्छा यहाँ पर फूल गया है तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो आलू हमने अच्छे से किस करके तैयार रखे थे वो तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं किसने से जो हमारे आलू हैं वो बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं अगर आप हाथ से मैश करते तो यहाँ पर इसमें छोटे बड़े पीसेस रह जाते तो वो अच्छे नहीं लगते हैं अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है यहाँ पर ये जो हमने मूंगफली का चूरा तैयार किया था तो वो मैंने यहाँ पर तीन से चार चम्मच मिला दिया है इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है और अब मैंने डाला है यहाँ पर सेंधा नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी है यहाँ पर तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च फ्रेंड्स आप एक बार ज़रूर बनाइएगा बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये आप पे और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच जीरा पाउडर और एक चम्मच रेड चिली पाउडर अगर आप रथ में रेड चिली पाउडर नहीं खाते हैं तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं और साथ ही मैंने डाला है थोड़ा सा ब्लैक पेपर यानी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा मैंने यहाँ पर डाला है फ्रेश धनिया तो इन सारी ही चीज़ों को मैं यहाँ पर एक बार मिला लूँगी मिलाने से पहले मैंने यहाँ पर डाला है इसमें तीन से चार चम्मच कुट्टू का आटा आप चाहें तो राजगिरे का आटा भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें सिंगाड़े का आटा भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर हमें अच्छी सी बाइंडिंग के लिए चाहिए होता है तो आपके पास जो भी व्रत में खाने वाला आटा अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एंड में डाला था नींबू का रस जिससे कि बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाए इन सारी चीज़ों को पहले मैं यहाँ हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी आप देख सकते हैं हम जो इसमें आटा ऐड करते हैं व्रत का उससे इसमें बहुत ही अच्छी बाइंडिंग सी आ जाती है सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मैंने इसमें डाला है दो चम्मच दही दही से जो हमारे अप्पे हैं उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है हल्की सी खटास आती है तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं दो चम्मच डाला है अब मैं आपको यहाँ हाथ से दबा करके दिखाती हूँ कि इस तरह की बाइंडिंग का हमें यहाँ पर इसे रखना है ज़्यादा पतला आपको नहीं करना है ना ही ज़्यादा हार्ड रखना है वरना आपके अपे अच्छे नहीं बनेंगे तो यहाँ पर मैंने अब रख दिया है अपे का सांचा गर्म होने के लिए गैस पर और उसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल तो सारे ही अपे के में इसमें मैंने कुकिंग ऑयल लगा डाल दिया है और ब्रश से अच्छे से फैला दिया है ताकि अब पे हमारे चिपके नहीं और अब आप देख सकते हैं इस तरह के हम रोल रोल बना करके जितना भी बड़ा आपका सांचा है उसके अकॉर्डिंग उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर छोटे छोटे गोले बना करके इसमें रख सकते हैं आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहले ऑयल लगा दिया है और अब सारे ही सांचों में मैंने यहाँ पर जो हमने बैटर बनाया है ये उसके हम छोटे छोटे से गोले बना कर के रख देंगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बहुत ही कम टाइम में आपकी ये अपे बन के तैयार हो जाएंगे मैंने यहाँ इसे ढक दिया है करीबन दो मिनट इसको मीडियम गैस की फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे और यहाँ पर देखिए दो मिनट बाद मैंने इसे ओपन कर लिया है और चम्मच की हेल्प से हम यहाँ पर इसकी साइड चेंज कर लेंगे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये निकल जाएंगे तो यहाँ एक साइड से बिल्कुल लाइट ब्राउन हो गए हैं तो मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल रहे हैं तो हम यहाँ पर जितना भी आपको डार्क कलर इसका चाहिए उस तरह उस हिसाब से आप इसे कुक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इनको बिल्कुल ब्राउन होने तक अच्छा सा कुक कर लिया है आप देख सकते हैं ये मैं आपको पास से दिखाती हूँ दोनों ही साइड से इसकी साइड चेंज करके तो फ्रेंड्स इस तरह के अपपे आप व्रत में कभी भी बना सकते हैं सारी चीज़ें हमने वही काम में लिए जो हम व्रत में खाते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये देखिए आपको पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा है। इनका लाइट ब्राउन कलर आ गया है तो बस अपे हमारे बनकर तैयार है हम इन्हें निकाल लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इन्हें निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूले फूले से हमारे अपे बने हैं जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं और साथ ही खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं तो फ्रेंड्स इस तरह के अपे को आप चाहें तो दही से भी खा सकते हैं चाहें तो आप व्रत में जो हरे धनिया की चटनी बनाई जाती है आप उससे भी इसे इन्जॉय कर सकते हैं दोनों ही तरीके से आपको ये अपे बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो अब मैं आपको यहाँ पर एक अपे को तोड़ करके भी बताती हूँ आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं अंदर से बिल्कुल फ्लॉपी से और फूले हुए तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और एक बार आप अपने किचन में इन अपों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर करें साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए और आपके काम आ पाए तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टिल देन बाय बाय